डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में डेंगू या मलेरिया होने से जान का खतरा तो रहता ही है, साथ ही इसके महंगे इलाज से कहीं ना कहीं हमारी जेब भी ढीली पड़ जाती है। हम आपको आज कुछ ऐसे घरेलू उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों से आपको दूर रख सकेगा। सबसे पहले हमें ऐसे खतरनाक मच्छर से बचना चाहिए। मच्छरों को दूर भगाने को लेकर कई शोध में ये साबित हुआ है कि लौंग के तेल के महक से मच्छर दूर भागते हैं। आप इस लौंग के तेल को नारियल के तेल में मिलाकर अपनी त्वचा पर लगाएं। इसके अलावा आप नीम तेल का इस्तेमाल भी मच्छर भगाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप तुलसी के पौधे को अपने घर की खिड़की के पास लगाते हैं तो यह मच्छर को घर में आने से रोकता है। अब चलिए जानते हैं डेंगू और मलेरिया के लिए 10 घरेलू उपचार। पपीते की पत्तियाँ। पपीते की पत्तियाँ डेंगू के मरीज के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। इनका उपयोग डेंगू बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में डेंगू में बुखार को कम करने की सलाह दी जाती है। पपीते का पत्ता प्लेटलेट काउंट, सफेद रक्त कोशिकाओं और न्यूट्रोफिल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप पपीते के पत्तों के रस का सेवन कर सकते हैं। मेथी के बीज। मेथी के बीज कई पोषक तत्वों से भरे होते हैं और यह डेंगू के बुखार को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में आप मेथी के कुछ दानों को एक कप गर्म पानी में भिगोकर पानी को ठंडा होने दें और इसे दिन में 2 बार पिए। मेथी का पानी विटामिन सी, के और फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके बुखार को कम करेगा, साथ ही आपका इम्यून पावर भी बढ़ाएगा। करेला। करेला भले ही कड़वी सब्जी है लेकिन यह डेंगू बुखार सहित कई गंभीर रोगों से लड़ने में मददगार साबित होती है। अगर आप डेंगू से पीड़ित हैं तो आपको अपने खाने में करेले की सब्जी शामिल करनी चाहिए। वहीं अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप करेले के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। जूस कड़वा होता है इसलिए आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर ले सकते हैं। खट्टे फल। मलेरिया से बचने के लिए आप खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद लाभकारी गुणों के कारण इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। इनमें मौजूद विटामिन सी बुखार को नियंत्रित करने में मदद करता है और संक्रमण को फैलने से भी रोकता है। शरीर को जल्दी ठीक होने के लिए प्रेरित करता है। अंगूर, संतरा, नींबू और ब्लैकबेरी जैसे खट्टे फल आपके शरीर को सप्लीमेंट प्रदान करते हैं। हल्दी। हल्दी जिसे अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट और रोगों से दूर करने वाला सुपर मसाला माना जाता है। हल्दी शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है जो प्लास्मोडियम संक्रमण के कारण बनते हैं। ऐसे में हल्दी मलेरिया के परजीवी को मारने में भी मदद करती है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपके मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करता है जो कि मलेरिया में आम है। मलेरिया से निपटने के लिए रोज रात को 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी मलेरिया के परजीवी को मारने में मदद करती है। दालचीनी। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जिसकी मदद से आप मलेरिया के लक्षणों से निपट सकते हैं। आप गर्म पानी में दालचीनी और काली मिर्च पाउडर दोनों मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं और इसे दिन में कम से कम 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। यह मलेरिया में होने वाले दर्द और अन्य लक्षणों को भी कम करने में मददगार साबित होता है। फिटकरी। डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए फिटकरी भी काफी फायदेमंद होती है। फिटकरी में मॉस्किटो लार्विसाइडल क्षमता होती है जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर इनोफिलज को निशाना बनाकर उससे छुटकारा दिला सकते हैं। इसके अलावा फिटकरी को भूनकर उसका पाउडर बना ले जिसके बाद इसमें चीनी मिलाकर 1/2 चम्मच इसका सेवन करें। बुखार होने के 2 घंटे इसके सेवन की सलाह दी जाती है। अदरक। अदरक का सेवन भी डेंगू और मलेरिया से राहत दिलाता है। इसे पानी में उबालकर पानी से आप अपनी रिकवरी प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं जिन्हें आप किशमिश के साथ भी ले सकते हैं जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते का सेवन भी आपको बुखार में काफी फायदा दिला सकता है। इनमें एंटीपायरेटिक और डायफ्रोटिक गुण पाए जाते हैं। ये पसीने को बढ़ाते हैं और शरीर के तापमान को कम करते हैं। बुखार में तुलसी के पत्ते का रस काफी लाभदायक होता है। गिलोय। डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी से ठीक होने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में गिलोय आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। शरीर से बुखार भगाने के लिए आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक गुणों के कारण ये बुखार को जल्द ही कम करता है। गुरुग्राम से वी न्यूज की रिपोर्ट।